वजह आप देखते हैं कि एक छोटा एक बड़ा मुद्दा जो तपन जी ने उठाया कि छोटी छोटी सीटों पर जो कम हाई प्रोफाइल लोग कहे जाएं सो कॉल्ड, वो हाई प्रोफाइल लोगों से आपके बड़े बड़े नेताओं से ज्यादा लीड से जीत रहे हैं। देखिए, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, ये हमारे लिए अप्रत्याशित परिणाम है और हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह के परिणाम। ठीक है, मैं पूछता हूँ आपसे, और ये देखिए आप एक और ये जो नतीजा थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लीड के साथ बता रहे हैं, उसके बाद आपको माफ कीजिएगा, रुक रहा हूँ। बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान जीत गए, ये पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट्स के बीच में एक जो फाइट थी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट थी खंडवा की, यहाँ से नंदू भैया जीत गए, नंद कुमार सिंह चौहान जी जीत गए, और यहाँ से अरुण यादव जी को हरा करके ये सीट उन्होंने जीत ली। खंडवा में बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान 272,000 वोटों से जीते हैं। हालांकि ये सीट थोड़ा सा कठिन बताई जा रही थी, अब की बार यहाँ से मुश्किल में है बीजेपी, ऐसा बताया जा रहा था, बीजेपी को विश्वास था, लेकिन 272,000 वोटों से खंडवा सीट जीत ली नंद कुमार सिंह चौहान ने। यहाँ उनका मुकाबला अरुण यादव से था, अरुण यादव ने कांग्रेस पार्टी को संभाला है प्रदेश में, और नंद कुमार सिंह चौहान ने लगातार शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर प्रदेश में बीजेपी को संभाला है। पूर्व बीजेपी के प्रेसिडेंट ये रहे हैं स्टेट के, और इसी तरीके से यहाँ अरुण यादव उनको हरा कर 272,000 के बड़े मार्जिन से खंडवा सीट को जीत लिया। और अगर आप सीट वाइज देखें तो देवास, खरगोन, खंडवा, उज्जैन और जबलपुर, ये सीटें मध्य प्रदेश में नतीजों के साथ अब बीजेपी की झोली में हैं। वैसे अगर आप कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ एक सीट छोड़ दें छिंदवाड़ा की, तो बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी जीत या जीत की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब अपनी बात आप रखें, अजय जी। देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे कहा था हम लोगों और सभी विपक्षी दलों की जो मांग थी निर्वाचन आयोग को मानना चाहिए थी, फिर भी जो 5 VVPAT मशीनों का फिजिकल काउंटिंग होना है, हम अभी उसका भी इंतजार करना चाहते हैं कि उनका और EVM में कितनी समानता आती है। हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन पारदर्शिता होना चाहिए, सभी दलों को जनादेश की प्रक्रिया में संतुष्ट होना चाहिए। जो बात करते हैं तो फिर जो असेंबली इलेक्शन याद दिलाए जाते हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास अजय जी, इसका क्या जवाब? जब कभी, क्योंकि ये कोई नया विषय नहीं है, जब कभी आपने मुद्दा उठाया ना तो ये बात कही है सत्ता पक्ष ने कि फिर आप असेंबली कैसे जीते। पुनीत जी, असेंबली इलेक्शन के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि EVM की प्रक्रिया से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है, भले ही हम चुनाव जीत गए, लेकिन मैं उससे बड़ी बात कहता हूँ, 10,000 करोड़ खर्च करके VVPAT लगाए गए तो उनको गिनना नहीं है तो उनका लाभ क्या है, फिर क्यों लगाए गए और गिन लिए जाते तो क्या आपत्ति है। मैं कहता हूँ भले यही परिणाम आता तो सभी संतुष्ट तो होते, तो लोकतंत्र में अगर विपक्षी दल संतुष्ट नहीं है तो ये निर्वाचन आयोग का दायित्व तो नहीं है कि वो ऐसा कदम उठाए। चलिए, लेकिन अब इस पर भी वो फैसला दे चुके हैं, देश इस पर अपना फैसला दे चुका है, और दोनों बातें जो आपने बात की, पॉइंट आपने किया, इस पर ऑलरेडी चुनाव आयोग कह चुका है 24 घंटे पहले कि हम कोई प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आप छत्तीसगढ़ की तरफ देखें जरा, बिलासपुर में बीजेपी के अरुण साव 1,25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, दुर्ग में विजय बघेल 3,00,000 से ऊपर वोटों से आगे चल रहे हैं, तकरीबन निर्णायक है, बस्तर में कांग्रेस के दीपक बैज बस्तर सीट 39,641 वोटों से आगे चल रहे हैं, जांजगीर चांपा बीजेपी के गुआराम अजगले 75,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, बिलासपुर में अरुण साव 1,25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जिस तरह रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तमाम सीटें मैदानी इलाकों की, ये सब भी बीजेपी के पास में, दुर्ग सीट जो इकलौती सीट थी पिछली बार कांग्रेस के पास, वो भी अब कांग्रेस के हाथ से निकल गई दिखाई पड़ रही है, बस्तर में कांग्रेस के दीपक बैज वही इस सीट को थोड़ा आगे लाए हैं, 39,000 से ज्यादा की लीड फिलहाल उनकी दिखाई पड़ रही है, हालांकि अभी भी अंतिम निर्णय यहां नहीं आया है। बिलासपुर में देखें, अरुण साव बीजेपी के उम्मीदवार 1,25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, दुर्ग में विजय बघेल 3,51,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दुर्ग में क्या आपको लगता है मुकेश जी, क्या फैक्टर काम किया होगा, क्योंकि यही एक सीट थी और मजबूत सीट थी कांग्रेस पार्टी के पास में, क्या रणनीति रही आपकी इस पर जीत की? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने 4 महीने में ही जनता का विश्वास खो दिया है, और अब जनादेश का सम्मान करना चाहिए बनिस्पत इसके कि प्रदेश की सरकार ने किस तरह से खोया। देखिए, ये बात आप लोग खुद ही कहते हैं कि दोनों चुनाव अलग हैं, मुद्दे अलग हैं,
इश्यूज अलग हैं, यदि और एक भारी मैंडेट अगर आपको माफ कीजिएगा एक भारी मैंडेट अगर आपको देश में मिला है तो भारी मैंडेट प्रदेश में मिला है, ये मैंडेट का भी थोड़ा सा कहीं आपको नहीं लगता? कहीं ना कहीं आप जिन वादों को लेके प्रदेश में सरकार में आए थे आपने वो वादे पूरे किए नहीं है। आपने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, तो क्या प्रदेश की सरकार ने देश का चुनाव बंदी करेंगे? यदि इस प्रकार की आपके वादे पूरे नहीं हुए तो कहीं ना कहीं जनता को ये लगने लगा है कि इनके कथनी और करनी में फर्क है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहे, लोगों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया, विकास को भी देखा कि वास्तव में विकास यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही विकास होता है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल के कामों कुछ ऐसी बातें मध्य प्रदेश में भी की गई थी, लेकिन बहुत हैरान करने वाली बातें ये मुकेश जी, दोनों के चुनाव अलग हैं, दोनों के लिए मैंडेट